हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन। एज यू नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट। ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का थर्ड नंबर का लेक्चर है और ये एक्ट एंड रूल का 37th नंबर का लेक्चर है। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट को। ये हमारा सेकेंड नंबर का चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड मोटर व्हीकल। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट में बेसिकली, क्योंकि इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है और किसी एक लेक्चर में इंक्लूड करने में सारे सेक्शन, ये लेक्चर काफी लेंदी हो जाता, तो हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे। दो पार्ट में थोड़ा इजी रहेगा हमको समझने में और समझाने में भी, लेक्चर भी छोटा रहेगा जिसको आप इजीली देख पाओगे, आपको मतलब नींद नहीं आएगी लेक्चर देखते टाइम। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @manuacademy, वहां पे ऐसी प्रोफाइल पिक दिखेगी आपको, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेक्चर मैं बनाता हूँ उन सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और हम वहां पे क्विज क्वेश्चन भी करते हैं। आने वाले दिनों में हम क्विज क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है सेक्शन 3 से, बट आपको समझना होगा कि यहाँ पे मैंने सारे सेक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, कुछ सेक्शंस आपको मिसिंग्स भी दिखेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वही सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और जो सेक्शन मैंने इंक्लूड किया है ये भी जरूरी नहीं है कि उस सेक्शन के सारे सब सेक्शन वहां पे मेंशनड हो, कुछ सब सेक्शन को मैंने इग्नोर भी किया है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे वही सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो बस ऐसे ही लॉ के लिए लिखा गया है वहां पे, तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो आपका सेक्शन 3 है, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। डेफिनेटली आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब आप अपनी गाड़ी किसी पब्लिक प्लेस पे चला रहे हो, किसी पब्लिक रोड पे चला रहे हो। आप अपने फार्म हाउस में गाड़ी चला रहे हो बिना ड्राइविंग लाइसेंस को, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली जब आप पब्लिक प्लेस में आते हो गाड़ी लेके, तो वहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 4, एज लिमिट इन कनेक्शन विद द ड्राइविंग मोटर व्हीकल। एज लिमिट आपको क्या होनी चाहिए, तो कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 से कम है वो अलाउ नहीं होगा पब्लिक प्लेस में व्हीकल चलाने के लिए। बट यहां पे थोड़ा सा लूप फॉल है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी लूप फॉल मैं बोलूंगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझ लेना है, चीजों को लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है। तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपकी एज 16 ईयर है तो आप ऐसी गाड़ी चला सकते हो जिसके इंजन की कैपेसिटी 50 cc है। तो अगर आपकी एज 16 ईयर है तो आप ऐसी गाड़ी चला सकते हो जिसकी इंजन की कैपेसिटी 50 cc है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आपका है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट जो होती है वो होती है 20 ईयर, ठीक है, और वो सेक्शन 18 में मेंशन्ड है। बट हमने इससे पहले भी जब हम गुजरात का रेगुलेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है उसके लिए जो एज लिमिट होती है 20। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 होती है, जनरल किसी भी व्हीकल के लिए 18 होती है, और 16 तक आप ये व्हीकल चला सकते हो अगर आपकी 16 है तो 50 cc की। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस फॉर द सर्टन व्हीकल, ठीक है। इसमें कहा गया है नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड अ लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैड द ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव द लाइट मोटर व्हीकल। देखिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके लिए कोई लर्निंग लाइसेंस नहीं होता। आप जाके इसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते कि मुझे ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है, मुझे लर्निंग लाइसेंस चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने की, उसमें आपको 1 साल का LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब लाइट मोटर व्हीकल आप कब चलाने का एक्सपीरियंस होगा, जब ऑलरेडी आपके पास लाइसेंस होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आपको लर्निंग लाइसेंस इशू नहीं होगा टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपकी एज 20 होनी चाहिए और आपको LMV लाइसेंस आपका 1 साल एटलीस्ट पुराना होना चाहिए, मतलब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज जो है हमारे ई कार्ड और ई रिक्शा में वैलिड नहीं होता है। आपको पता है ई कार्ड और ई रिक्शा किसे कहते हैं, ये हमने कल देखा था। ऑब्वियसली जो ई कार्ड और ई रिक्शा है वो आपको पर्सन कैरी करने के लिए भी यूज होते हैं,
गुड्स कैरी करने के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर वो गुड्स कैरी करने के लिए यूज कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो डेफिनेटली ये वाली क्राइटेरिया यहाँ पे वैलिड नहीं है। बट डेफिनेटली वहां पे मेंशनड है कि ई रिक्शा की मिनिमम इंजन की कैपेसिटी 4000 वाट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन है, थ्री व्हील होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर रिक्शा है, ई रिक्शा है इन शॉर्ट, तो आपको ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आप अलाउ हो। नेक्स्ट है आपका, किसी भी पर्सन को जिसकी एज 18 नहीं है, किसी भी पर्सन को जिसकी एज 18 नहीं है उसको लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर उसको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है तो किसी के कंसिडरेशन में दिया जाएगा और उसको एक राइटिंग एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो कोई राइटिंग एप्लीकेशन देता है तब आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा, इवन दो आपकी एज 18 ईयर नहीं है, ठीक है। मगर एक लूप फॉल है यहाँ पे, अगर आपकी एज 18 ईयर नहीं है तो आप इससे ज्यादा की व्हीकल पब्लिक प्लेस में नहीं चला सकते हो। मतलब जो आपका लर्निंग लाइसेंस होगा वो इसी रेंज के व्हीकल के लिए होगा, और वो भी आपको तब दिया जाएगा जब किसी को ये राइटिंग एप्लीकेशन कोई देता है कि मेरे कंसिडरेशन में ये जो गाड़ी है वो ड्राइव करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 8, जिसमें आप हम बात करेंगे ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस। तो किसको लर्नर लाइसेंस इशू किया जाएगा, तो पहले तो जो सेक्शन 4 है उसकी जो 8 लिमिट की क्राइटेरिया है आप उसको डिसक्वालीफाई नहीं करते हो, आप इस क्राइटेरिया को होल्ड करते हो तो ही आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में फी के साथ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आपके एप्लीकेशन के साथ आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो आपको लाइसेंस इशू करती है, वो किसी बेसिस पे, किसी डिजीज या डिसएबिलिटीज के बेसिस पे आपको लर्निंग लाइसेंस देने से मना कर सकती है। बट यहाँ पे एक लूप फॉल है जिसको आपको ध्यान रखना है, इनवैलिड कैरेज। अगर आप इनवैलिड कैरेज के लिए लर्निंग लाइसेंस चाहते हो, उसके लिए आपने एप्लीकेशन किया है, तो आपको मिलेगा। आपको पता है जो इनवैलिड कैरेज है वो किसके लिए बनाए गए होते हैं, ये बेसिकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया होता है। आप ऑलरेडी डिसेबल्ड हो तो आपको तो मिलेगा क्योंकि आपको इनवैलिड कैरेज चलाना अलाउ है। बट जो नॉर्मल है और आप नॉर्मल व्हीकल ड्राइव करने के लिए अप्लाई किए हो, तो ये आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज कर सकते हैं आपको लर्निंग लाइसेंस इशू करने के लिए। बट डेफिनेटली आप डिसेबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपको दिया जाएगा। नो लर्निंग लाइसेंस शैल बी इशू टू एनी एप्लीकेंट अनलेस ही पास द सटिस्फेक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये देखो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के विजडम पे डिपेंड करता है, वो टेस्ट लेता है उस पर डिपेंड करता है, वो सेटिस्फाई है, आप टेस्ट क्राइटेरिया पास कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो जो भी प्रेस्क्राइब है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी प्रेस्क्राइब करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ये जो टेस्ट है उसको प्रेस्क्राइब कर सकती है, बना सकती है। तो वो जो भी टेस्ट है, अगर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर सेटिस्फाई है कि आप पास कर रहे हो, तो आपका लाइसेंस वो इशू करेगी लर्निंग लाइसेंस, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर सकते हैं, ये उनके पास पावर होता है। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको जो लाइसेंसिंग टेस्ट है और जो मेडिकल फिटनेस है उसको एग्जम्प्ट कर सकती है। वो चाहे तो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेज में आपको इन दोनों को होते हुए भी जो लाइसेंस है वो इशू कर सकते हैं, बट डेफिनेटली दैट इज द स्पेशल इन अ सर्कमस्टांसेज। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप कह सकते हो एक तरह का पावर है जिनका वो यूज कर सकते हैं। सेक्शन 90, इसमें बात किया गया है ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए तो आपको कहां पे अप्लाई करना है, ऑब्वियसली जो आपका ज्यूरिडिक्शन के एरिया है, जैसे आप जहां से बिलोंग करते हो वहां की एक आरटीओ ऑफिस होगी, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो वहां पे आपकी ऑफिस हो, चाहे वहां पे आपका रेजिडेंस हो, तो कुछ भी हो, आपके पास इस टाइप का कोई प्रूफ हो तो आप उस एरिया में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका रेजिडेंस हो, आपकी ऑफिस भी है तो भी आप उस एरिया में अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलर उस आरटीओ ऑफिस में आप जा सकते हो लाइसेंस के लिए। अगर कोई ऐसा स्कूल आपने ज्वाइन किया है ड्राइविंग स्कूल, जिन्होंने आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आप उनके ज्यूरिडिक्शन की जो एरिया है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, जो फी प्रिस्क्राइब्ड है, उसके साथ आपको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेंट होगा उसको टेस्ट जो होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट दिया जाता है, जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, उसको आपको
पास करना होगा, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। जो फोर्थ है इसमें थोड़ा सा लूप फॉल है, इसको आपको समझना है। अगर हम एक्ट की बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की हम बात करते हैं, तो इसमें मेंशन्ड है कि अगर आप एक बार टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप रीअपियर हो सकते हो आफ्टर द 7 डेज। ठीक है, तो आफ्टर 7 डेज के बाद आप रीअपियर हो सकते हो। बट आपको याद होगा एक लेक्चर में हमने कवर किया था रेगुलेशन गुजरात का, जब गुजरात के साइड पे आप जाके देखोगे तो वहां पे जो टेस्ट में फेल होने के बाद रीअपियर का जो टाइम दिया गया है वो 1 डेज दिया गया है, या फिर आप कह सकते हो 24 आवर मेंशन किया गया है। तो जो हमारा एक्ट है इसमें मेंशन किया गया है 7 डेज मतलब 1 वीक, और यहां पे मेंशन किया गया है 24 डेज या फिर 1 डे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि आप रीअपियर कब हो सकते हो टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो आप 7 डेज लिखोगे या फिर 1 वीक, जो भी ऑप्शन रहेगा वो लिखोगे। अगर आपसे केवल ये पूछता है, और आप ऑब्वियसली गुजरात के आरटीओ के एग्जाम में बैठे हो, और आपसे ये पूछता है कि आप रीटेस्ट कब दे सकते हो फेल होने के बाद, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इस एक्ट के हिसाब से बताओ या उस एक्ट के हिसाब से बताओ, तो आप 1 डे ऑप्शन टिक करोगे, मतलब 24 आवर, क्योंकि गुजरात में जो लाइसेंसिंग का रूल है उसमें मेंशन है 24 आवर। तो इस तरीके के जो लूप फॉल है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लूप फॉल वो ढूंढते हैं जहां से क्वेश्चंस बनाया जा सके। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो टोटल 75 क्वेश्चन मिलेंगे सारे लूप फॉल से ही मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो लूप फॉल से होंगे, जिनको सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और आप आगे तभी निकलते हो जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिसको सब लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तभी आप मेरिट में आते हो डेफिनेटली, तभी आप दूसरे लोगों से अपने कंपिटिटर जो हैं उनसे ज्यादा स्कोर कर पाते हो। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कहा गया है कि जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कब आपके जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज कर सकती है लेने से, या आपको लाइसेंस इश्यू करने से मना कर सकती है। तो डेफिनेटली ये तभी होगा जब आप एप्लीकेशन करते हो और आपको सुना जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको सुना जाएगा। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पूरा चांस मिलेगा ये प्रूव करने के लिए कि नहीं आप सही हो बिल्कुल। बट फिर भी आपके सुनने के बाद भी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई है कि आपके पास कुछ इस टाइप की एक्टिविटी है जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे आप हैबिचुअल क्रिमिनल हो, आप जो गाड़ी है उसका मिसयूज करते हो क्राइम करने में, आप हैबिचुअल ड्रंकर्ड हो, आप कोई ड्रग्स लेते हो, इस टाइप की आपकी हरकतें हैं, इससे पहले आपकी जो लाइसेंस है वो रिवोक हो चुका है, तो इन सारे केसेज में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने से रिफ्यूज कर सकती है, ये उसका पावर है। ठीक है, आगे एक सेक्शन और आएगा जिसमें ये चीजें और डिटेल में इलाबोरेट किया गया है, बट नेवरदलेस जब एक एक्ट आया इससे पहले अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस इन द केस ऑफ मोटर व्हीकल मतलब बाइक के केस में वो लाइसेंस वैलिड रहेगा, आप उससे गाड़ी चला सकते हो। डेफिनेटली हमने क्या किया है इस एक्ट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया है टू इशू द लाइसेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू LMV टू व्हीकल विद द हैजार्ड गुड्स, तो वो सारे अगर आपके लाइसेंस है उस टाइप के तो आपको रिन्यू करवाने पड़ेंगे लाइसेंस को, बट इन द केस ऑफ द बाइक आप जो पुराने लाइसेंस है आपका उसका आप यूज कर सकते हो। जो हमारा सेक्शन 10 है इसमें बात किया गया है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव की। कोई भी लर्निंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट देन द लाइसेंस इश्यू अंडर द सेक्शन 18। सेक्शन 18 में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटीज को एम्पावर करती है जो लाइसेंस इशू कर सकते हैं ऐसी गाड़ी चलाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं बेसिकली। तो आपको पता है कि जो लाइसेंस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है, बट कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस इशू कर सकते हैं। तो इस लाइसेंस को छोड़ के बाकी अगर लाइसेंस आपको इशू किया गया है तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। सेकेंड जो है आपका, आपके पास अगर लर्निंग लाइसेंस है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इंटाइटल्ड हो ये सारी गाड़ी चलाने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक लूप फॉल है जिसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मेंशन्ड है ट्रांसपोर्ट व्हीकल और यहाँ पे मेंशन्ड है लर्नर लाइसेंस। देखिए आप, एक चीज है लर्नर लाइसेंस मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आपके पास वो एक साल का एक्सपीरियंस नहीं है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए चाहिए,
क्योंकि आपके पास तो लर्निंग है, तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया ना कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल मेंशन है, ऐसा कैसे हो गया, या फिर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, इसके पहले वाले क्लॉज में भी डिस्कस किया जा सकता था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि आप कौन सी गाड़ी चला सकते हो किस लाइसेंस से। तो देखिए एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास एलएमवी का लाइसेंस है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हो। जो हमारा एक्ट है वो कहता है कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाओगे उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको एलएमबी के एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्राइटेरिया उन्होंने अलग बनाया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अगर आपके पास एलएमबी है तो यू आर इंटाइटल्ड टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल डेट फॉल अंडर द वेट 7500 kg। तो ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसका वेट 7500 kg से कम है तो आप इस गाड़ी को चला सकते हो। तो ये थोड़ा सा लूप फॉल है, केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से ऑप्शन बनाया है आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है एलएमबी के साथ चला सकते हो आप कि नहीं चला सकते हो, तो डेफिनेटली आप चला सकते हो, आप आंसर टिक करोगे कि हम चला सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्टली मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकते हो अगर उसका वेट इससे कम है तो, अगर आपके पास एलएमबी लाइसेंस है तो आप इंटाइटल हो ये गाड़ी चलाने के लिए। हाँ, इससे ज्यादा की गाड़ी अगर आप चलाते हो तो फिर से आपको वो सारे जो क्लॉज हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए बेसिकली ये क्लॉज काफी बड़ा था, मतलब ये सेक्शन काफी बड़ा था, बट इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, और मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो मेंशन क्या करना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी ले रखा है इस एक्ट में कि कोई भी जो ड्राइविंग स्कूल हो उससे रिलेटेड वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी रेगुलेशंस ला सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना है, जैसे उसके लाइसेंस को रिन्यू करने से रिगार्डिंग, वहां पे फैसिलिटी से रिगार्डिंग, वहां के कंडीशन से रिगार्डिंग, वहां के इक्विपमेंट से रिगार्डिंग, मतलब जो भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनमें किसी भी टाइप का अगर मॉडिफिकेशन चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसको फील होता है कि ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन थी, बट मैंने उनको शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, तो इसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आता भी है तो ओवरव्यू टाइप का ही आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी टाइप का इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। एक चीज लॉ में और मेंशन था कि वो जो मॉडिफिकेशन होगा वो पहले से प्रिस्क्राइब जो पावर दिया गया है, सपोज वहां पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है तो उस पावर को अल्टर नहीं करेगा, बाकी ये जो इनके रिगार्डिंग जो लर्निंग जो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनके रिगार्डिंग वो चेंजेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइसेंस टू द ड्राइव मोटर व्हीकल। डेफिनेटली इस एक्ट के अंदर में जो भी लाइसेंस आपको इशू किया जाएगा वो थ्रू आउट द इंडिया वैलिड होगा। आप गुजरात का लाइसेंस लेके यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, ऐसा आपसे नहीं कह सकते कि आपके पास गुजरात का लाइसेंस है आप गाड़ी यहाँ पे नहीं चला सकते। जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14 करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव द मोटर व्हीकल। आपके पास लाइसेंस है तो आप कब तक मोटर व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो। तो अगर आपके पास लर्निंग का लाइसेंस है तो लर्निंग लाइसेंस का जो पीरियड होता है दैट इज फॉर द 6 मंथ, ठीक है। तो अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप नहीं कि लर्निंग लाइसेंस लेके पूरे साल के साल आप गाड़ी चला रहे हो, तो ऐसा चीज नहीं है। सेकेंड जो इसका सबसेक्शन है इसमें बात किया गया है रिन्यू करने के लिए। तो आपका जो लाइसेंस है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है वो इफेक्टिव होगा पीरियड ऑफ 3 ईयर, उसके बाद आपको उसको क्या कराना पड़ेगा रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अगर आप ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो जिसमें कोई डेंजरस या फिर हैजार्ड्स गुड्स कैरी हो रहा है तो उसका जो रिन्यू होगा उसका 1 ईयर के बाद होगा। तो आपको ध्यान देना है ये भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आती है, बट दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज कैरिंग द गुड्स दैट इज डेंजरस, तो इसके लिए आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। इसका जो लाइसेंस होगा वो एक ही साल के लिए वैलिड होगा, और डेफिनेटली जब आप रिन्यू कराने जाओगे तो वहां पे कुछ प्रिस्क्राइब टेस्ट हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, हर बार आपको उस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, आपको ये 1 डे फ्रेशर कोर्स आपको दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। बट आपको ये पीरियड याद रखना है बस कि अगर आपके पास हैजार्ड व्हीकल कुछ टाइप की आप ड्राइव करना चाहते हो तो दैट विल वैलिड फॉर द 1 ईयर, एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिस इज वैलिड फॉर द
3 ईयर। तो ये दोनों आपका जो टाइम पीरियड है याद रखना है, आपको ये भी टाइम पीरियड याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत लूप फॉल्स हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है। आपको पता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो वैलिड होता है पीरियड ऑफ 20 ईयर, अगर एक बार इशू किया गया तो वो 20 ईयर तक वैलिड रहता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपकी एज 50 ईयर अचीव हो जाती है तो आपका लाइसेंस या तो 20 ईयर के लिए वैलिड रहेगा या तो 50 ईयर एज के लिए वैलिड रहेगा। इनमें से जो पहले आ जाता है वहां पे आपको लाइसेंस को री इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी एज है 35 ईयर, आपने फ्रेश लाइसेंस इशू करवाया तो आपका लाइसेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 20 ईयर तक होता है। तो आपके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए एज 55 तक, बट आपका लाइसेंस 55 तक वैलिड नहीं रहेगा, 50 तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आपके लाइसेंस को रीइशू कराना पड़ेगा और ये जो रीइशू है वो 5 ईयर के लिए होता है। हाँ, कुछ स्टेट अब इसको 10 ईयर एक्सटेंड किए हैं, जैसे राजस्थान है वहां पे एक्सटेंडेड है फॉर द 10 ईयर। तो ये कुछ स्टेट मॉडिफाई किए हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया, ये चेंजेस हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं, ये इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कुछ ने मॉडिफाई किया है, कुछ सेम फॉलो करते हैं। तो ये आपको करना है, आपका जो भी पहले अचीव हो जाएगा, अगर सपोज आपने 30 पे कराया है तो आप डेफिनेटली आपका 20 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपने 25 पे कराया है तो आपको 45 की एज में क्या कराना पड़ेगा, रीइशू कराना पड़ेगा। तो आप 50 का वेट नहीं करोगे, मैक्सिमम वैलिडेशन तो 20 ईयर ही है, बट इन द केस ऑफ 50 अगर आप अचीव कर लेते हो तो जो भी पहले आएगा उसके हिसाब से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो हमारा सेक्शन 14 था उसका जो सब सेक्शन 2 है, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप 50 का एज अचीव कर लेते हो, अटेंड कर लेते हो, तो उसके बाद अगर आप रिन्यू कराते हो तो आपको ईच 5 ईयर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होता रहेगा। आप ऐसा नहीं कहोगे कि रिन्यू कर दो 20 ईयर के लिए फिर से, ठीक है। तो ये आपको हर 5 ईयर के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ स्टेट इसको एक्सटेंड कर दिए हैं, वो 10 ईयर भी कर रहे हैं, तो वो अलग की बात है, बट इस एक्ट के हिसाब से ये क्या है, 5 ईयर है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1998। बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है ये, जिनमें मॉडिफिकेशन हुए हैं जिन सेक्शन में, वो पूछ लेगा कि हमें मॉडिफिकेशन मत बताओ, आप हमें ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1998 क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इस एक्ट में या इस सेक्शन में मॉडिफिकेशन हो गया तो हम केवल मॉडिफिकेशन को याद रखें, जो ओरिजिनल हमारा एक्ट था उसको भूल जाने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 15 है, रिन्यूएबल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे बात किया गया है आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप कब अप्लाई करोगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले या फिर होने के 30 डेज तक आपको अप्लाई करना होता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, तो ये आपको फॉलो करना होता है। अगर आप 30 डेज हो गया, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, तो डेफिनेटली आपसे कुछ एडिशनल फी ली जाती है लाइसेंस इशू करने के लिए। अगर सपोज करो आप रीइशू करवाने जा रहे हो और आपकी एज हो गई है 40 ईयर, तो आपको रीइशू करने के साथ साथ एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए, जो कि पहले केवल और केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में दिया जाता था। बट आप, आपके पास कोई भी लाइसेंस हो, आप रीइशू करवाने जाते हो और आपकी एज 40 ईयर है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वही चीज मेंशन किया है, इन शॉर्ट मेरे लैंग्वेज में, एक्ट में आपको कुछ रूल की लैंग्वेज मिलेगी, एक्ट की लैंग्वेज मिलेगी, बट यहाँ पे मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है कि आप 30 डेज के बाद, एक्सपायर होने के 30 डेज के बाद जाते हो तो आपको अलग फी देनी पड़ेगी, विद इन 30 डेज आते हो तो आपको अलग फी देनी पड़ेगी। वो सारा प्रिस्क्राइब्ड है, हर स्टेट में अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। जब हम रूल पढ़ेंगे तो वहां पे इसके रिगार्डिंग जो रूल्स होंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर सपोज करो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया और आप अप्लाई नहीं किए, 5 साल हो गए, ठीक है, 30 डेज के बाद 5 साल के अंदर करते हो तो फी लेके, जो एडिशनल फी लेके वो आपको इश्यू हो जाएगा। बट आपको 5 साल हो गए या उससे ज्यादा हो गए, आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपको फिर से सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में जाना पड़ेगा, जहां पे ये बात किया गया है कि एप्लीकेंट को लाइसेंस देना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर किए 5 ईयर हो गए। तो ये आपको एक क्लॉज है, ये आपको ध्यान रखना है,
मतलब लूप फॉल कह सकते हो, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा लूप फॉल है कि आपको फ्रेश टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब वो ये मान लेंगे कि आप जो ड्राइविंग की कला है वो भूल चुके हो, आपको ड्राइविंग अब नहीं आती, आप फिर से सारे टेस्ट पास करोगे, आपको तभी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 16 है, इसमें बात किया गया है रिवोक करने के ड्राइविंग लाइसेंस को। तो ड्राइविंग लाइसेंस को रिवोक कब किया जा सकता है? ऑब्वियसली अगर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये आप ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है, ये जो इस टाइप के सेक्शंस हैं जिसमें ये बात किया गया है, कुछ पावर दिया गया है हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, वो सेक्शंस भी आपको थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने चाहिए। सेक्शन नंबर में बात कर रहा हूँ, सेक्शन 16 है जैसे, क्योंकि आप भी जब एग्जाम पास करोगे तो आप भी एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनोगे, तो आपको ये सेक्शंस भी याद कर रखने पड़ेंगे कि किसमें आपको क्या पावर मिला हुआ है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है रिवोक करने के ड्राइविंग लाइसेंस का। तो एक ग्राउंड ये है कि अगर आपके पास कोई डिजीज हो, कोई डिसेबिलिटीज हो, और आप जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको ऐसा फील होता है कि अब आप परफेक्ट नहीं हो गाड़ी चलाने के लिए, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिवोक कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस आप दे सकते हो, अगर आप फिट रहोगे तो जो रिवोक है, जो रिवोक किया गया है उसको हटा लिया जाएगा। तो इस बेसिस पे जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। बट यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर इनवैलिड कैरेज का लाइसेंस है आपके पास, मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप है और आपके पास लाइसेंस है इनवैलिड कैरेज चलाने का, तो वहां पे ये सेक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको परमिशन दिया गया है, आप एक ऐसा लाइसेंस कैरी कर रहे हो जिसमें इनवैलिड कैरेज चलाने का आपको अधिकार है, तो वहां पे ये लाइसेंस वैलिड, मतलब ये आर्टिकल वैलिड बेसिकली नहीं है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सेक्शन नंबर 18, ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अधिकारी को एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना सकती है, और वो ऐसे लाइसेंस इशू कर सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी चलाएं। तो यहाँ पे मेंशनड है कि आपको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा इस लाइसेंस से, और तब तक मिलेगा जब तक कि उस लाइसेंस में मेंशनड है, उसमें डिस्क्रिप्शन जो है आपको वही गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू करती है तो आप जाके प्राइवेट गाड़ी चलाने लग जाओ, क्योंकि देखिए ये जो लाइसेंसिंग का पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन है। बट स्पेशल केसेस में, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं डिफेंस की गाड़ी है, तो डिफेंस की गाड़ी जो चलाता है, सपोज प्रधानमंत्री की गाड़ी जो चलाता है, तो आप वो गुजरात से बिलोंग करता है, तब वो गुजरात से ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं जाएगा। जो राज्यपाल की गाड़ी चलाते हैं, जो इस टाइप के जो गाड़ी चलाते हैं बेसिकली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। बट वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि उस लाइसेंस से केवल आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्पेसिफाई गाड़ी चला सकते हो जो आपके लाइसेंस में मेंशन है, उसमें उस लाइसेंस को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। एक चीज और है कि मान लो जिस किसी आदमी के पास वो लाइसेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो क्राइम कर देता है, सपोज किसी स्टेट में, मान लो गुजरात में क्राइम कर दिया, तो अगर गुजरात की अथॉरिटी ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इशू तो किए नहीं, तो इनके पास कोई डाटा नहीं होगा। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डाटा मांगते हैं, या फिर जो भी लाइसेंस इशू अथॉरिटीज है उससे डाटा मांगते हैं, तो उनको ये डाटा गुजरात गवर्नमेंट को या गुजरात की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो ये डाटा मांग रही है उसको इशू करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते देने से, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइम कमिट हुआ है। एक तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्राइम का, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेज है जिसमें यहाँ की लाइसेंसिंग अथॉरिटी या फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट है वो डाटा सीक करती है कि हमको ये जो लाइसेंस आपने इशू किया है वो चाहिए। सपोज कोई फर्जी लाइसेंस लेके घूम रहा है कि हमारे पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो आप कैसे पकड़ोगे कि ये फर्जी है असली है? तो डेफिनेटली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से वो डिटेल मांगनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 19 को। सेक्शन 19 जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको ये पावर देती है डिसक्वालीफाइंग फ्रॉम होल्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस। किसी के लाइसेंस को आप डिसक्वालीफाई कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, तो ये पावर आपको देता है सेक्शन 90। अगर आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो तो डेफिनेटली आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा लाइसेंसिंग अथॉरिटी कब कर सकती है? तो पहला जो भी ऐसा कुछ केसेज आएगा उसमें सिंपल फर्स्ट जो क्लॉज होता है उसमें मेंशन होता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको सुनने के बाद ये सेटिस्फाई है कि हाँ आपका लाइसेंस कैंसिल्ड होना चाहिए, मतलब आपको सुनने का, आपको अपना अपील देने का आपको चांस दिया जाएगा कि आप बताओ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि आपका लाइसेंस
कंसल्ट क्यों नहीं किया जाए, अगर उसके बाद भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, क्या लगता है, तो आप लाइसेंस को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। पहला, हैबिचुअल क्रिमिनल है वो आदमी, हैबिचुअल ड्रंकेड है, पहले भी ये मेंशन था। कोई आप ड्रग्स लेते हो, बेसिकली उसमें आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में इस व्हीकल का यूज किया है, ठीक है, व्हीकल का यूज किया है, तो वहां पे भी आपको पता है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दो ऑफेंस होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको किसी टॉपिक में बताया है, बट दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर जनरल नॉलेज। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल जो डिफेंस होते हैं, दोनों में ऑफेंस होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर ड्राइविंग जो हमारी अथॉरिटी है, बेसिकली लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर आप लाइसेंस लगता है कि आपकी जो ड्राइविंग है वो पब्लिक प्लेस के लिए अच्छी नहीं है, डेंजरस है, तो भी वो कैंसिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लूप फॉल देता है, मतलब ये ऐसा जो पावर होता है ना, उसका मिसयूज भी कभी कभी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ई वाला, ई सबसेक्शन है जो, कि जो आपने पर्टिकुलरली कोई डिस्क्रिप्शन दिया है, या इन शॉर्ट आपने फ्रॉड तरीके से जो लाइसेंस है वो इशू कर लिया है, सपोज आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस या फिर हैजार्ड व्हीकल का लाइसेंस इशू करवा लिया, या कोई सा भी लाइसेंस इशू करवाया आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट देके या कोई फ्रॉड एक्सपीरियंस दिखा के या कुछ भी इस तरीके से, तो भी जो अथॉरिटी है आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। आपने कोई नूसेंस क्रिएट कर दिया पब्लिक प्लेस पे अपने ड्राइविंग की वजह से, तो भी ये आपका लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। और सपोज करो कि आपको लाइसेंस इशू किया गया था जब आपकी एज 18 नहीं थी, तो किसी के कंसिडरेशन में, किसी के राइटिंग एप्लीकेशन पे आपको लाइसेंस दिया गया था, और अब वो मना कर रहा है कि नहीं, ये आदमी बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, या बच्चा बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, तो आपका जो लाइसेंस है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भी हम सेक्शन 19 की ही बात कर रहे हैं, तो जो भी केसेज हमने ऊपर पढ़े हैं, इन सारे केसेज में आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। जो आपका सब क्लॉज 2 है, इसमें कहा गया कि अगर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है, तो आपके लाइसेंस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सरेंडर करना पड़ेगा, वो आपको लाइसेंस रखने का अधिकार नहीं है, आप उसको सरेंडर कर दोगे। ये तब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रहेगा जब तक कि आपका जो रिवोक हो एक्सपायर नहीं किया जा सकता है, या फिर उसको हटा लिया नहीं जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आपके ड्राइविंग के वजह से सपोज आपका 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो 6 महीने बाद आप अपना लाइसेंस ले सकते हो, 6 महीने तक आपका लाइसेंस कंप्लीट अथॉरिटी के पास रहेगा। जो आपका पॉइंट बी और सी है, इसमें कहा गया है कि सपोज आपका लाइसेंस जो रिवोक कर रहा है अधिकारी, वो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जिसने आपका लाइसेंस इशू किया है। एक एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके पास महाराष्ट्र का लाइसेंस है और आप गुजरात में ड्राइविंग कर रहे हो, और आपने कुछ ऐसा नुसेंस क्रिएट किया जिसके वजह से आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे रिवोक किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो लाइसेंस इशू किया गया है वो महाराष्ट्र की अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है, तो यहाँ की अथॉरिटी क्या होगी, वो जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी फिगर्स होंगे, जो भी रीजन होंगे, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लाइसेंस को इश्यू किया है, उनको इंटीमेट करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने ये लाइसेंस इस रीजन के वजह से रिवोक किया हुआ है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, तो डेफिनेटली आप विद इन 30 डेज अप्लीकेशन डाल सकते हो जो भी अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास, जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं आप वहां पे कह सकते हो, और ये डिपेंड करता है हमारे अपीलेट अथॉरिटी पे, उसके विजडम पे, कि वो आपके लाइसेंस का जो रिवोकेशन है वो हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। तो आज के लेक्चर पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा सा लूप फॉल को भी मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और ये इसके आंसर है, तो आप ध्यान से इसको रीड करके आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है, औरों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, गुड लक।